Hello, my dear students. How are you? I believe you all will be enjoying this study with new technology and new style. कल बच्चों मुझे बहुत खुशी हुई, आप काफी लोगों ने बच्चों ने मेरा ये वीडियो देखा और इस स्टडी को बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं. कुछ बच्चों के कुछ प्रॉब्लम्स थी जिन्होंने मुझसे पूछा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर आउट ऑल दोज प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज. कुछ बच्चों ने पूछा, सर आप ये जो हिंदी लिख रहे हैं क्या ये एग्जाम में आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आती. बच्चों चूंकि वी ऑल आर स्टडिंग इन हिंदी मीडियम इंस्टीट्यूशंस, सो दैट्स व्हाई ये हिंदी लिखना इसलिए जरूरी है. इफ आई एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इंग्लिश टू इंग्लिश, आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल नॉट अंडरस्टैंड द होल चैप्टर. तो इसलिए ये हिंदी मैंने लिखी है, एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन आपको अच्छी तरह से बेटर वे में समझाने के लिए हिंदी लिखी गई है. आप इस लेसन को हिंदी के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं. तो इसलिए दूसरे कुछ बच्चों ने पूछा था, सर एक्सप्रेशन में हिंदी लिखना है? बिल्कुल नहीं लिखना है. एक्सप्रेशन व्हेन दिस लेसन गेट्स ओवर आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज एक्सप्रेशन विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट. कुछ बच्चों ने पूछा था, सर आपने जो ऑथर हैं विलियम सी डगलस, इनके बारे में काफी अच्छा बताया, क्या हमें एक्सप्रेशन में उनके बारे में लिखना है? बच्चों हमें ऑथर के बारे में डिटेल कुछ नहीं लिखना है. जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेफरेंस में हम केवल ऑथर का नाम लिखते हैं. तो नाम अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लिएगा लिखने की भी और याद कर लिएगा, तो आपको वो नहीं लिखना है. लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में कुछ बच्चों ने पूछा है. बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन नए सिलेबस के अनुसार अब बिल्कुल आने बंद हो गए. आपको इस लेसन से केवल शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स प्रिपेयर करने हैं. तो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे. आ गर्ल विद अ बास्केट. बच्चों जैसा कि आप जानते हैं ये लेसन फर्स्ट लेसन है, ये अभी चल रहा है और हम अभी तक चार इसके जो पैराग्राफ्स हैं उनकी स्टडी कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं. कुछ बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर लिखकर भेजे हैं. आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम और मैं मुझे बहुत खुशी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो से जुड़ रहे हैं और बच्चे इस स्टडी का को एंजॉय कर रहे हैं. आई एक्सटेंड माय थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. और अब इसको हम आज की इसको पार्ट थ्री को स्टार्ट करते हैं. टुडे वी विल स्टडी पैराग्राफ नंबर 5 एंड पैराग्राफ नंबर 6. अ गर्ल विद अ बास्केट. बच्चों दिस इज पैराग्राफ नंबर 5. दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिक्रीड. Hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanaticism. They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek. For all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days later, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. The children selling baskets were sons and daughters of the refugees. They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week. There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. No tea, no coffee, no fat, no sweets, no meat.
$100 a year is not $2 a week. Even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. बच्चों ये पैराग्राफ नंबर 5 एंड पैराग्राफ नंबर 6 इसकी ये हिंदी लिखी हुई है. अब हम इसको इसकी रीडिंग करेंगे. वे शरणार्थी बच्चे थे. जब भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ लाखों लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा तथा अपना निवास बदल लिया. 9 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए. कारण था धार्मिक उन्माद का भय. अपने मूल निवासों पर ही वे गरीब. अपनी लंबी यात्रा के बाद वे लोग और भी गरीब हो गए क्योंकि वे लोग अपने साथ कुछ खान पान तथा अन्य थोड़ी सी वस्तुएं अपने साथ ले जा सके थे. शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया. अपनी यात्रा प्रारंभ करने के कुछ दिनों बाद ही भूख की कमजोरी से वे यात्रा मार्ग के किनारे गिरने लगे तथा वहीं मरने लगे. टोकरी बेचने वाले वे बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र तथा पुत्री थे. वे व उनके माता पिता व उनके रिश्तेदारों ने शहरों में छोटे छोटे स्टॉल स्थापित किए तथा पहले से भीड़भाड़ वाले बाजारों में सामान्य चीजों का उत्पादन कर अपनी आजीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे. सड़कों के किनारे कपड़ों व घास के बने शेडों में वे रहते थे. इन शरणार्थियों में जो किसान थे अपने जीवन में अभावों में रह रहे थे क्योंकि एक कृषि आधारित अर्थात कृषक परिवार की वार्षिक आय $100 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है. एक औसत अकुशल श्रमिक 30 सेंट्स या $2 प्रति सप्ताह से कम कमाता है. दिन में केवल एक बार भोजन, कोई चाय नहीं, कॉफी नहीं, कोई चिकनाई या मिठाई या मांस नहीं, केवल एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरा दाल तथा दूध और शायद बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर. प्रति वर्ष $100 प्रति सप्ताह $2 के बराबर भी नहीं है तथा यह धनराशि भी टोकरी बेचकर उन लोगों से कमाना जो पहले से ही इतने गरीब थे कि उनको खरीद नहीं सकते बेहद कठिन है. निसंदेह इसी कारण से वे छोटे बच्चे टिड्डी दल की भांत लेखक पर टूट पड़े. चूंकि वह एक अमेरिकी था शायद बच्चों के लिए वह एक अधिक पैसे देने वाला ग्राहक तथा बाजार बनकर उभरा था. बच्चों इसमें ये थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मैं आई विल एक्सप्लेन. रिफ्यूजी शरणार्थी, मैन्युफैक्चरिंग बनाना, आर्टिकल्स वस्तुएं, पीजेंट्स किसान, अकस्टम्ड टू अभ्यस्त होना, डॉलर अमेरिकी मुद्रा को कहते हैं, अनस्किल्ड लेबरर अकुशल श्रमिक, मील भोजन, प्रॉमिसिंग मार्केट उन्नतशील बाजार, पार्टीशन विभाजन, डिक्रीट होना, रिलीजियस फेनिसिज्म धार्मिक उन्माद. ये बच्चों क्वेश्चंस हैं और इसके बारे में बात मैं बताते हैं आपको. अब हम आज के इस पैराग्राफ के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे. बच्चों कल हमने आपको बताया था कि राइटर वॉज गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बरेली और इस यात्रा के दौरान उसने बहुत सारी नई चीजें देखी और एक स्टेशन पर एक बच्चों की ग्रुप ने उसको ही वॉज सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. दे वर ऑल सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द रिफ्यूजीज. वे सब शरणार्थियों के बच्चे थे. शरणार्थी आप जानते हैं किसी दूसरे देश से आकर अन्य देश में बसे आना. चूंकि विभाजन के बाद जब आजादी के बाद हमारे देश का विभाजन हुआ तो बहुत से हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे. वहां पर धार्मिक उन्माद इतना तेज हो गया कि लोग धर्म के आधार पर एक दूसरे को मारने लगे. तो बहुत से हिंदू वहां से इसी भय से अपना सब कुछ छोड़कर एवरीथिंग दे लेफ्ट देयर, अपना घर, अपना सामान, जो कुछ उस समय उन पे अवेलेबल हुआ उन्होंने उसको सामान को बटोरा, कुछ खाने का सामान, कुछ कपड़े और वहां से अपना सब कुछ छोड़कर और यहां इंडिया में आ गए. क्योंकि वो काफी लॉन्ग ट्रैक था, लंबी यात्रा थी, तो जहां जहां रास्ते में कुछ लोगों का भोजन समाप्त हो गया, किसी को बीमारियां लग गई, किसी को और परेशानी हुई, बहुत सारे लोग
वहां रास्ते में ही मर गए, और जो बचे थे वो हमारे हिमालय के तराई के का जो क्षेत्र था वहां पर पंजाब में आकर बस गए, और कुछ बरेली और हिमालय के तराई वाले स्थानों पर उन्होंने सड़क के किनारे कुछ कपड़ों के घास के तो जो टेम्परेरी तंबू टाइप के थे घर बनाए, और उसमें उन्होंने अपना निवास शुरू कर दिया, रहने लगे। अब बच्चों उनके साथ में प्रॉब्लम थी कि हाउ टू अर्न देयर लिविंग, हाउ टू मेक देयर लिविंग, अपना आजीविका कैसे चलाएं। तो वहां पर बरेली के आसपास अगर आपने सुना होगा वहां बांस बहुत मिलती है, बैत का कारोबार काफी होता है। तो उन्होंने वहां बच्चों ने और उनके लोगों ने दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स लाइक बास्केट्स फैंस उन्होंने बनाए। अब चूंकि वहां जो मार्केट्स थे देवर ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, और वहां के जो लोग थे देवर वेरी पुअर पीपल, दे कुड नॉट एफोर्ड टू बाय ऑल दोस आर्टिकल्स, उन चीजों को खरीद नहीं सकते थे, इसलिए वे सब बच्चे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर आ जाते थे। जैसे ही कोई ट्रेन रुकती थी तुरंत यात्रियों को अपना वो आर्टिकल्स बेचना शुरू कर देते थे। अब बच्चों क्या हुआ, जैसे ये ऑथर, ये तो हर स्टेशन पर उतर कर लोगों से बातें कर रहे थे, इनका उद्देश्य लोगों से बात करना, देश के बारे में जानकारी प्राप्त करना था, लेकिन जैसे ही एक स्टेशन पर उतरे इसी तरह के बच्चों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। ऑल्दो द ऑथर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे वर शाउटिंग, क्या बोल रहे थे, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा भी नहीं समझ पाए, लेकिन एक चीज अच्छी तरह वो समझ गए, दे ऑल वॉन्टेड टू सेल देयर बास्केट एंड फैन अदर आर्टिकल्स टू दी ऑथर। क्यों, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये अमेरिकी है, ये फॉरनर है, एंड ही वुड पे हैंडसम अमाउंट फॉर देयर आर्टिकल्स, के काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो सब बच्चे अपने आर्टिकल्स को उठा उठाकर उस राइटर के सामने चीखने लगे। तो बच्चों आज हम इस दो पैराग्राफ में केवल इतना ही पढ़ेंगे, और ये जो मैंने अभी हिंदी लिखवाई में एक आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि हिंदी एग्जाम में नहीं आती है, ये आपको अच्छी तरह से समझाने के उद्देश्य से लिखी हुई है, जिससे आप इस पैराग्राफ को इसके वर्ड मीनिंग को अच्छी तरह से समझ लें। ये बच्चों नीचे वर्ड मीनिंग अभी जैसे मैंने आपको बताए, रिफ्यूजी मैंने बताया शरणार्थी होते हैं जो दूसरे देश से आकर हमारे देश में या हमारे देश के दूसरे देश में जाकर बसे आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल वर्ड है, किसी भी चीज का उत्पादन करना, कि मशीन से हो या हाथ से हो। यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो हाथ से बनी हुई जो रीड बास्केट थी, बैंत की जो डलियां थी, उसके बारे में ये मैन्युफैक्चरिंग शब्द आया। इसके बाद में पीजेंट्स आप जानते हैं, जो किसान होते हैं उनको पीजेंट्स कहते हैं। बच्चों आप ये समझिए कि $100 अ ईयर, एक साल में उनकी पूरी आमदनी $100 के बराबर भी नहीं थी, जो कि हफ्ते में $2 के बराबर भी नहीं होता। तो समझिए उनकी लिविंग कंडीशंस क्या रही होंगी, इतने गरीब थे, स्वयं भी गरीब, और जिस जगह आकर रुके थे, जहां आसपास का जो मार्केट्स थे, जो रेसिडेंसेस थे, लोग थे, वो भी बहुत ज्यादा गरीब थे, इसीलिए वहां इतना $2 पर वीक कमाना भी दैट वॉज वेरी हार्ड। लेकिन फिर भी ये सब बच्चे एकदम भाग कर स्टेशन पर पहुंच जाते थे, और जो पैसेंजर्स होते थे उनको अपना ये सामान बेचने की कोशिश करते थे। तो बच्चों ये मैंने अभी आपको बताया, अनस्किल्ड लेबर का मतलब होता है अकुशल श्रमिक, जो कहीं से ट्रेंड ना हो, वैसे कोई भी काम बता दियो काम करने लगे। उसके बाद मील कहते हैं भोजन को, सवेरे खाना, दोपहर का, शाम का, जो भी होता है उन सबको मील कहते हैं, जिसमें केवल प्याज और रोटी और ये सब उनको बड़ी मुश्किल में मिल पाता था। डिक्रीट किसी पार्टी जो विभाजन हमारा देश का हुआ उस समय का वर्णन है। और रिलीजियस फैनेटिज्म का मतलब होता है जिसमें धार्मिक उन्मादता हिंदुओं या मुसलमानों या दूसरे कोई भी जाति वर्ग के धर्म के लोग जब अपने धर्म को श्रेष्ठ माने, अपने धर्म के लोगों को साथ में ही रखना चाहे, बाकी सबका अनादर करते हैं, तो ऐसे स्थिति को रिलीजियस फैनेटिज्म कहा जाता है। बच्चों इन दो पैराग्राफ के ऊपर मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं। ये क्वेश्चंस नंबर वन, व्हाई डिड 9 मिलियन पीपल लीव पाकिस्तान, 9 लाख लोगों ने
पाकिस्तान को विभाजन के बाद क्यों छोड़ दिया? नंबर टू, व्हाट वाज देयर कंडीशन आफ्टर दे स्टार्टेड देयर जर्नी, जब उन्होंने यात्रा शुरू की उस समय उनकी क्या कंडीशन थी, कैसी दशा थी? हु वर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, जो बच्चे बास्केट्स बेच रहे थे वो कौन थे? हाउ डिड दे स्टार्ट टू मेक द लिविंग, और यहां पर आकर उन लोगों ने अपनी आजीविका किस तरह से कमानी शुरू की? और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द चिल्ड्रन डिसेंड ऑन द ऑथर लाइक लोकट्स, कि टिड्डी दल की तरह सभी बच्चे उस लेखक पर क्यों चढ़ गए? बच्चों, मैंने बताया कि उन बच्चों को ऐसा लगा कि ये जो राइटर है इसके पास बहुत सारा पैसा होगा, फॉरनर है, अंग्रेज है, तो जितने भी जो उनके आर्टिकल्स थे अगर उसने सब खरीद लिए तो उन्हें उस दिन बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। तो एकदम उन्होंने चारों तरफ से उस राइटर को चारों तरफ से घेर लिया। बच्चों, ये आज के लिए स्टडी ये मैंने आपको बताया है, आपको ये होमवर्क करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ बच्चों ने पूछा, इनके आंसर लिखकर व्हाट्सएप पर मुझे सेंड किए, कुछ बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम्स पूछी थी जो मैंने अभी आपको बता दी। अभी चूंकि लेसन समाप्त नहीं हुआ है, लेसन अभी नेक्स्ट, ये दिस इज द पार्ट 3, ये पार्ट 3 वीडियो में आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट में आई विल ट्राई टू फिनिश दिस लेसन। फिर भी जितना मैंने करा दिया इसको आप रिवाइज करते जाइए, ऐसा ना हो कि आप आज का याद करो पिछला भूल जाए। बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि नई टेक्नोलॉजी है, नई स्टाइल है, आपको थोड़ा सा अभ्यस्त होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डोंट वरी, आप चिंता ना करें, इसको एंजॉय करें स्टडी को, जिससे आपका समय भी अच्छा व्यतीत हो और आपकी पढ़ाई का भी नुकसान ना हो। थैंक यू वेरी मच।